एक समय की बात है, एक राज्य में ऐसी राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक हुआ करता था। लेकिन जितनी सुंदर वह थी, उतना ही ऊंचा था उसका अभिमान। उसे अपने अलावा किसी और का अस्तित्व मान्य नहीं था। परंतु किस्मत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसका जीवन बदल गया। आइए जानते हैं उसकी इस अनोखी कहानी को, जो हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड और अहंकार की कोई जगह नहीं होती। राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा अन्य राज्यों में भी होती थी। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा और अन्य सद्गुण भी थे। लेकिन इन सभी गुणों और पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने किसी को भी योग्य नहीं माना। राजकुमारी की आयु बढ़ती जा रही थी और राजा को लोकनिंदा का भय सताने लगा। लोग भी बातें करने लगे, परंतु राजकुमारी अपने घमंड में चूर थी और किसी भी राजकुमार से मिलना तक नहीं चाहती थी। अंत में राजा ने पड़ोसी राज्य के राजा रंग मोहन के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातः जो पुरुष नगर द्वार में सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जन्मदिन के दिन नगर द्वार में सबसे पहले एक फटेहाल भिक्षुक पहुंचा। वह युवा और सुंदर था और उसके मुख पर एक विशेष तेज था। महाराज ने बिना किसी धूमधाम के उसी भिक्षुक के साथ राजकुमारी का विवाह करा दिया। राजकुमारी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। भिक्षुक को 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा ने आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर राज्य से निकल जाए। रोते बिलखते राजकुमारी को भिक्षुक के साथ जाना पड़ा। कुछ समय बाद भिक्षुक ने उसे एक गांव में ले जाकर बर्तन बेचने का काम करने के लिए कहा। राजकुमारी, जो कभी रानी बनने का सपना देखती थी, अब बर्तन बेचने पर मजबूर थी। एक दिन एक घुड़सवार के कारण उसके सारे बर्तन टूट गए। निराश होकर वह घर लौटी। भिक्षुक ने उसे सांत्वना दी और राजा रंग मोहन के महल में पाकशाला में काम करने का सुझाव दिया। अब राजकुमारी का स्वभाव बदलने लगा था। महल में काम करते करते वह विनम्र और परिश्रमी हो गई। एक दिन राजा रंग मोहन का जन्मदिन आया और वह भी सभी सेवकों के साथ राजसभा में पहुंची। जब उसकी बारी आई तो राजा रंग मोहन ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी यह सुनकर चौंक गई और बोली, महाराज, यह अधर्मपूर्ण बात है। भले ही मेरा पति भिक्षुक है, पर वही मेरा सर्वस्व है। कृपा कर मेरे पति को यहाँ बुलवा दें। कुछ ही देर में वही भिक्षुक राजमहल में आया। मंदाकिनी दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझ में और राजा रंग मोहन में कोई समानता नहीं लगती? तभी मंदाकिनी को सच्चाई का भान हुआ। वह भिक्षुक और कोई नहीं, स्वयं राजा रंग मोहन थे। उन्होंने मंदाकिनी से कहा, तुम्हारे अहंकार को दूर करने का और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मुझे यह योजना बनानी पड़ी। इस कहानी का निष्कर्ष है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाकर हमें विनम्र बनाती हैं।